الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله मालिक किया खुदा ने उसे दो जहान का मालिक किया खुदा ने उसे दो जहान का ऐसा कोई रसूल भी है इज़्ज़ो शान का और मसनद लगी हुई है मेरे बादशाह की मसनद लगी हुई है मेरे बादशाह की उस जहां ना दखल हो फहमो गुमान का और या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ़ हम आपकी ना करें तो क्या करें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ़ हम आपकी ना करें तो क्या करें ये तो ग़िज़ा है दिल की मज़ा है ज़बान का ये तो ग़िज़ा है दिल की मज़ा है ज़बान का। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आफ्ताब खिताबत उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद शुजात अली सिराज खादरी साहब क़िबला दामत बरकातों आलिया सदर कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत व जमात व जनाब हज़रत मौलाना बाखर सिद्दीकी साहब जनाब हज़रत सैयद सियादत अली साहब ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे के नायब सदर इस्तिक़बालिया जनाब मोहम्मद मुजीबुद्दीन साहब स्टेज पर दीगर तशरीफ़ फरमा सामाईन सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपको मेरी जानिब से और हमारी जमात की जानिब से ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात ये ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ईद ईमान वालों की ईद है जो ईमान वाले होते हैं वही ये ईद मनाते हैं और ईमान का दूसरा नाम है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत मिलती है तो कोई मदरसे से कोई जामिया से नहीं मिलती मोहब्बत मिलती है तो बहरुल उलूम की बारगाह से मिलती है मोहब्बत मिलती है तो यहाँ इस स्टेज से बहरुल उलूम के ग़ुलाम आफ्ताब खिताबत के दर से मिलती है और मोहब्बत मिलती है तो हमारे इस जलसे के अंदर तशरीफ़ फरमा होकर बहरुल उलूम की ग़ुलाम आफ्ताब खिताबत के खिताब से मिलती है। मोहब्बत कोई आसान नाम नहीं है ये मदरसों में पढ़ना ये जामिया में पढ़ना ये डिग्रियाँ लेना ये मुफ्ती बन जाना यह आलिम बन जाना ये आसान बात है मगर मोहब्बत बहुत मुश्किल काम है और मोहब्बत मिलती है
तो सरकार की ताजीम करने से, सरकार के गुनगुनाने से, सरकार के गुनगाने से मोहब्बत मिलती है। मोहब्बत कोई आसान नाम नहीं है। हजरत, आज जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना आता है, एतराज़ात शुरू हो जाते हैं, झंडी क्यों, रोशनी क्यों, जुलूस क्यों, खाने क्यों, नात की महफिल क्यों। ये एतराज़ात ये अजल से है, ये शैतान करा था, अब इनके चेले कर रहे हैं। हजरत, हम मिलादुन्नबी में करते क्या है? ये जलसा करना, ये झंडी लगाना, ये रोशनी करना, ये खाने खिलाना, नात शरीफ की महाफिल मुनाकिद करना, घरों में सरकार के नाम से फातिहा देकर खीर पूरियां मंगाना, ये क्या है? ये सरकार की मिलाद की खुशी का इजहार है। और इस चीज़ को हम कहते हैं ये मिलादुन्नबी हम मना रहे हैं। अब ये तमाम लोगों को एतराज़ है, ये क्यों, वो क्यों, ये क्यों। भाई, जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो क्या हम खुशी का इजहार ना करें? क्योंकि खुशी मनाना, खुशी का इजहार करना, ये कुरान के हुक्म से साबित है। अल्लाह ने फरमाया, खुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। यानी ऐ हबीब, आप फरमा दीजिए, अल्लाह लोगों से फरमा दीजिए, अल्लाह की रहमत और उसके फजल पर इनको चाहिए कि खुशी का इजहार करें। यह अल्लाह मोमिनों से मुखातिब फरमा रहा है। तो अब हम सरकार की आमद पर जो खुशी मना रहे हैं, जो हम झंडी लगा रहे हैं, जो जलसे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जुलूस की शक्ल में रैली निकाल रहे हैं, सरकार के नारे बुलंद कर रहे हैं, नात की महफिल मुनाकिद कर रहे हैं, खाने खिला रहे हैं, ये ऐन कुरान के हुक्म से साबित है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, उसका खुशी का इजहार करो। तो अब आप फरमाइए, क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बढ़कर अल्लाह का कोई फजल है, अल्लाह का कोई शुक्र है? बताइए आप लोग। तो हम जितना भी मिलाद में अमल कर रहे हैं वो कुरान से साबित है। अब आप, मैं एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, एक टेक्निकल फार्मूला। ये जितने मुनकिर मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितने बद मज़हब है, ये लोग बोलते हैं कि हम मिलाद मनाना कहाँ है, सरकार अपनी ज़िंदगी में मनाए क्या, सहाबा सरकार के आशिक थे अपनी ज़िंदगी में मनाए क्या, हमारे आबा अजदाद मनाए क्या, ये कैसा वो कैसा। एक बेहतरीन फार्मूला टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में समझा रहा हूँ। देखिए, जिस काम को अल्लाह रसूल ने मना फरमाया वो नहीं करना है, जिस काम को अल्लाह रसूल ने मना फरमाया वो नहीं करना है, जिसको सरकार ने खामोश बैठ गया, जिसको सरकार और अल्लाह के कलाम ने खामोशी का इजहार किया, यानी जिसको मना नहीं फरमाया, वो हर काम जायज़ है, वो हर काम जायज़ है। और जायज़ काम के लिए, तवज्जो से सुनिए, जायज़ काम के लिए किसी चीज़ की दलील की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की दलील की ज़रूरत नहीं है। जो कोई कहता है ये कि नाजायज़ है, उसको बोलो कि आप दलील ला के पेश करो। बोले कि भाई, तुम कुरान की एक आयत ला के बता दो, हदीस एक हदीस ला के बता दो कि मिलाद मनाना नाजायज़ है, हम छोड़ देंगे। नहीं तो तू हमारे साथ मिलके मिलाद मना। तो ये मिलाद के मौके पर मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो सामईन बैठे हैं, आजकल आता जाता कुछ भी नहीं, उन्हें जो बोल लिया सुन लिए, उन्हें जो बोल लिया समझ गए। अब हमारे पास ऐसा हो चुका है, हम ना किताबों का मुताला करते हैं, ना हम ऐसे महफिलों में आते हैं। अब हमारे पास सबसे आसान ज़रिया कोई भी चीज़ का सवाल का जवाब ढूंढना है, गूगल पे मारे जवाब देख लिए, गूगल पे मारे उसकी तकरीर सुन लिए, गूगल पे मारे उसके सवाल का जवाब सुन लिए। अरे भाई, वो बद मज़हब जो गूगल पे आप जिसके सवाल का जवाब पूछ रहे हैं, उसको ना अलीफ मालूम ना बे मालूम हमारे अकीदे का। आप गूगल के मार के उससे जवाब लेके हमारे से सवाल करते, नहीं उन्हें ऐसा बोला, उन्हें ऐसा बोला। अरे भाई, हमारे उलमाओं को आप गूगल पे मार के देखिए, हमारे उलमाओं को आप गूगल पे सुनिए, तमाम चीज़ों का जवाब मिल गया। सबसे पावरफुल आजकल अगर हमारे को इल्म मिल रहा तो वो सोशल मीडिया से मिल रहा, मगर उसका इस्तेमाल सही करिए, उसका इस्तेमाल सही करिए। तो मैं बता रहा था
कि मिलाद नबी मनाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायज़ है, ऐन कुरान से साबित है। अब सरकार मिलाद मनाते क्या अपनी ज़िंदगी में? बच्चे बच्चे को मालूम सरकार पीर के दिन रोज़ा क्यों रहते थे, आप पूछिए। सरकार फरमाए पीर के दिन मैं दुनिया में तशरीफ़ लाया, उसी खुशी में मैं रोज़ा रहता हूँ। और क्या दलील होना भाई, सरकार अपनी ज़िंदगी में रोज़ा रह के ख़ुद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कर दिया। हर पीर को रोज़ा रहते थे, हम तो साल में एक मरतबे ईद मना रहे सरकार की। सहाबा की ज़िंदगी, खुलफाए राशिदीन खलीफे अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाए कि जो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दरहम खर्चा किया खुशी में, वो कल के दिन जन्नत में मेरा रफीक होगा। अब इसमें दो चीज़ मालूम हो गए, मिलाद मनाए तो जन्नत, और जो मिलाद मनाया वो जन्नत में सरकारे सिद्दीक़ अकबर का रफीक। मिलाद मनाने से दो चीज़, जन्नत भी मिल गई, सिद्दीक़ अकबर की रफाकत भी मिल गई। सरकार उमर फारूक फरमाए खलीफे दुअम के जो शख्स मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक हुआ या मिलाद मनाया, गोया उसने दीन को ज़िंदा किया। अब आप फरमाइए, सरकार उमर फारूक ऐसे सर्टिफाइड सहाबा अशराए मुबशरा, सरकार ने फरमाया ये लोग जन्नती है। अब इनका कौल ये है कि मिलाद मनाना दीन को ज़िंदा करना है, अब आप बताइए इससे ज़्यादा बड़ा काम क्या है। खलीफे उम सुबह हज़रत सैदना उस्मान गनी फरमा रहे हैं कि जो मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुशियां मनाया, शरीक हुआ या खुशियां पैदाइश के दिन सरकार की आमद पर अपने जिस हैसियत से मिलाद मनाया, गोया उसने जंग बद्र हुनैन में शरीक हुआ। खलीफे सुबम का ये कौल है। मेरे मौला मुश्किल कुशा फरमा रहे हैं जो मिलाद मनाया, जो मिलाद में शरीक हुआ, सरकार हजरत अली का कौल है कि वो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। अब ये चारों सर्टिफाइड खलीफा जिनको मेरे आका ने फरमाया ये जन्नती है, अब ये लोग मिलाद के ताल्लुक से, ये शख्सियतें मिलाद के ताल्लुक से इस खदर इतना अहम चीज़ हमारे को मैसेज दिया है, तो क्या अभी भी हम मिलाद नहीं मनाएंगे भाई? मिलाद मनाना जायज़ है। क्योंकि नमाज ज़ोहर बाजमात अदा की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात, जलसे के इख्तिताम के बाद तनाव में कब्र का भी इस्तेमाल किया गया है। आप तमाम हज़रात इत्मीनान के साथ तशरीफ़ फरमाएं, क्योंकि आस्था से किताबत का खुसूसी किताब समाप्त हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान फजीलत पाक पीर तरीकत रहबर शरीयत फ़ख्र सिद्दीकियत फैजान दारुलूम सरकार दारुलूम सरकार के चराग हाफिज मोहम्मद अब्दुल रज़ाक सिद्दीकी आरज़ू दामत बरकातुहुम आलिया सज्जाद नशीन व मुतवल्ली बारगाहे दारुलूम हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की हर साल इस जलसे में हाज़िरी होती है, हमें इस जलसे की कामयाबी की सनद मिल जाती है, क्योंकि हम हजरत रज़ाक पाशा हजरत में हम दारुलूम को देखते हैं, और हजरत रज़ाक पाशा की यहाँ पर जलवा अफरोज़ी दारुलूम की जलवा अफरोज़ी है, तो हमें हमें जलसे की कामयाबी की जमानत मिल गई, हमारा ये यकीन है। तो मैं अपने इख्तिताम मरहले में आ जाता हूँ। हजरत मैं आस्था के किताबत का शुक्रगुजार हूँ, तमाम अहदेदारान अराकीन अहले सुन्नत वल जमात का शुक्रगुजार हूँ कि हर साल मुझे इस जलसे का सदर इस्तेक़बालिया मुझे बनाकर मेरी आखिरत सवार में का मुझे मौका देते हैं, मेरी सादत बनती है। मैं आस्था पर किताबत का और जमात के तमाम अराकीन अहदेदारान का शुक्रगुजार हूँ, और इस जलसे को कामयाब बनाने में जितने लोग जितने हजरात हमारे साथ हैं, मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पर हमारे कारकुन जनाब सालम चिश्ती, जनाब अलीमुद्दीन चिश्ती मुजाहिद मियां, और हमारे बाकर सिद्दीकी साहब जो इन 12 रोज हमारे आस्था पर किताबत के साथ हर महफिल में साथ रहे। जनाब अली पाशा साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप हर जलसे में हमारे इस जलसे को आप रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपका भी खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं सदर इस्तेमालिया की हैसियत से, क्योंकि ग्राउंड
पूरा इंडोर स्टेडियम के लिए खोला गया है, वहाँ जलसा करना बहुत मुश्किल था। आपका में खिताबत का हुक्म हुआ था कि आपने जगह का इंतखाब किया, बहुत मुश्किल थी ये जगह मिलना। मैं जनाब खास तौर पर आभार जनाब मुमताज अहमद खान साहब, रुकनेश मंदिर हल्के चार मीनार और उनके दोस्त जनाब बाकर भाई साहब का मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों के खुसूसी दिलचस्पी और तालुम से अल्लाह ताला ने इस खजाने आमा में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें मौका अता फरमाया। अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, और इसी तरह हमारे ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में हमारे ताउन आने वाले साल भी आप लोगों का अगर रहा तो हम उसका भी आगे आने वाले साल का आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मैं GHMC के तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहम्मदिया कंपनी सप्लाई कंपनी का शुक्रिया अदा करता हूँ, अफसर साउंड कंपनी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे इस जलसे को इनेकाद करने में खुसूसी तावन फरमा रहे हैं। मैं आप तमाम सामाइन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारी आवाज़ पर लंबाई कहा और इस जलसे में आकर आपने साबित कर दिया कि हम किसी के मोहब्बत में नहीं बल्कि रसूल के मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला आप तमाम की उम्र दराज फरमाए। मैं आखिर में अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आने वाले साल भी इससे ज्यादा हमें सरकार की मिलाद मनाने का मौका अता फरमाए, हम सब की उम्र दराज फरमाए, हम सबको आने वाले साल भी सरकार की मिलाद का मौका नसीब फरमाए।